एक दबाए प्रेस टू फॉर इंग्लिश मराठी साथी तीन दाबा गुजराती माटे सही हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। PACL के जानकारी के लिए एक दबाए सहारा के जानकारी के लिए दो दबाए अन्य जानकारी के लिए शून्य दबाए। नमस्कार सभी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। नमस्कार अभिषेक सर जी। नमस्कार सर, मैं PACL इंडिया लिमिटेड का एक पीड़ित निवेशक हूँ, आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ सर। किस कंपनी के बारे में जानकारी? सर PACL इंडिया लिमिटेड बहुराष्ट्रीय कंपनी। जी बोलिए। सर मेरे पास कुछ बॉन्ड्स वगैरह पड़े हैं जिन्हें मैंने अभी तक सबमिट नहीं किया, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था, तो अब मैं वहां से लौटा हूं, तो ये बॉन्ड मेरे पड़े हुए हैं और कंपनी बंद हो चुकी है। ये बॉन्ड कब सबमिट किए जाएंगे और क्या ऑनलाइन प्रोसीजर अब भी चालू है या एक सीमित अवधि थी? किनकी? जी सर। क्या कह रहे हैं? सर मेरे कुछ बॉन्ड पड़े हैं, क्योंकि मैं कुछ बॉन्ड मेरे कुछ घर पर पड़े हैं जो मैं बाहर गया हुआ था, इस वजह से उन्हें सबमिट नहीं करा पाया। काफी लंबे टाइम के बाद आया हूं, तो सर अब ये बॉन्ड मुझे सबमिट कराने हैं। ऑफिस ऑलरेडी बंद है, तो कैसे सबमिट कराए जाए? कैसे सबमिट कराया जाए? आपने अभी तक सबमिट नहीं किया ऑनलाइन? नहीं सर, मैं आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था, बाहर था, विदेश गया हुआ था। ओके, तो उसके लिए तो अभी से कोई ऑप्शन नहीं है सर। जो नहीं कर पाए उनके विषय में अभी जानकारी नहीं है, आगे कुछ अपडेट आती है तो जानकारी दी जाएगी आपको। जी सर, आएगी या नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा काफी लंबा मोटा अमाउंट इसमें लगा हुआ है। एक एक लाख की दो आदमियाँ करी हुई है सर इसमें। जी जब आएगी तब आपको जानकारी दे दी जाएगी सर। सर कब तक आ सकती है, कुछ भविष्य में बता सकते हैं? जब आएगी तो भविष्य में ही आपको बताया जाएगा सर। ये सर क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पैसा वैसा नहीं मिलने का, बंद हो गई, भाग गई, ऐसा कुछ अफवाह चल रहा है, उस अफवाह पे। तो आप लोगों से जानकारी ले रहे हैं तो उनसे ही लीजिए सर। सर अब जब जितने भी इसमें निवेशक हैं उनकी सबकी आपस में बात होती है, तो उससे यही कहते हैं कि हमारा पैसा तो वहाँ पे आप बात कीजिए, बट कंफर्मेशन तो आपको यहीं से मिलेगी। जी सर, जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल जिन्होंने नहीं कर पाए उनके लिए कोई अपडेट नहीं मिली है, जैसे अपडेट आएगी जानकारी दी जाएगी उन्हें। जी सर, एक हमारे चाचा जी हैं उनकी डेथ हो गई, उनके भी सर्टिफिकेट वगैरह पड़ा हुआ है। ओके, उनकी डेथ हो गई, सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। जी ओके, तो वेट कीजिए आगे जिनके डेथ के केस में। अभी फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं मिली है, कुछ अपडेट मिलता है तो इस बारे में जानकारी दी जाएगी आपको। ठीक है सर, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं। जी उनके लिए किस नॉमिनेशन की वो सर्टिफिकेट वगैरह लगाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत बताइए। मैंने आपसे कहा डेट के लिए भी कोई अपडेट नहीं है, जब आएगी अपडेट तो जानकारी दीजिएगी सर, मैंने ये कहा आपसे। नहीं सर, वो तो आपने सही कहा है, लेकिन ऐसा होता है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयार नहीं हो रहे, वो तैयार करा लेंगे, जैसे कि पैन कार्ड वगैरह वगैरह। तो किसका पैन कार्ड चाहिए, नॉमिनेशन का चाहिए या मरने वाले का चाहिए, ये सब जानकारी पूछना चाह रहा हूँ मैं। वो तो अभी तो अपडेट नहीं मिली इस बारे में किनका चाहिए। ठीक है सर, तो जब भी कोई जानकारी आएगी तो हमें बताना, फिर उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? जैसे अपडेट आएगी जानकारी दीजिएगी आपको। सर इस वक्त कितना प्रोसीजर चल रहा है आपके उसमें विभाग का? हेलो, अभी फिलहाल 8,000 तक का रिफंड अमाउंट दिया जा रहा है सर। एक मैंने मेरे पास एक दोस्त का मेरे पास फोन आया था, वो कह रहा था कि मेरे तो 5,000 थे, तो 5,000 भी नहीं आए अभी तक। तो सर 8,000 का जो प्रोसीजर है, तो उसके 5,000 रुपए क्यों नहीं आए अभी तक? उनने कहा मेरा बॉन्ड बिल्कुल सही करके मैंने सबमिट किया था, कैप्चा वैप्चा सब कुछ सही भरे हुए, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर अभी तक उसके पास अमाउंट क्यों नहीं आया? स्टेटस चेक कीजिए उनका। अच्छा अच्छा, तो उसमें हमें पता चल जाएगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। जी।
ठीक है सर, बस यही हमारे सामने परेशानी है क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो बॉन्ड्स वगैरह है 2014 में ही पूरे हो गए थे, और बॉन्ड्स भी मेरे कुछ ऐसे हैं जो ऑफिस में भी जमा है, कुछ घर पड़े हैं। जब मैं यहाँ पर था इंडिया में तो मैंने ऑफिस में जमा करा दिए थे, पता चला कि ऑफिस ही बंद हो गया तो रिसीव पड़ी रह गई। सर रिसीव के बारे में क्या कहना आपका, जो बॉन्ड ऑफिस में जमा कर दिए वो रिसीव पड़ी है मेरे पास और कुछ बॉन्ड पड़े हैं, तो रिसीव के बारे में क्या आपका कोई प्रोसीजर है? तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, रिसिप्ट पड़ी हुई है तो उन्होंने उनको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए मैंने आपको कहा कोई अपडेट नहीं है। जी सर, हुआ अभी हुई तो नहीं है इसकी रिसीव वगैरह की, अगर हो गई हो तो बताए, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब हमारी पड़ी रह जाए और लोगों ने सबमिट कर दी हो। हेलो, जी, थोड़ी क्या देर वेट कीजिए, जैसे ही अपडेट आएगी जानकारी दीजिएगा सर। सब सबके बारे में एक ही बार में अपडेट आएगी या अलग अलग आएगी? ठीक जी, एक ही बार में आएगी अपडेट। ओके है ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सुझाव के लिए। और कोई जानकारी इसके अलावा? बस सर और क्या जानकारी लें, हमारा तो इसमें परिवार का 10-15 लाख रुपया लगा हुआ है PACL में, और सहारा में भी लगा हुआ है, सहारा की जो इकाइयां इस टाइम प्रतिबंधित है उनमें भी लगा हुआ है, क्यू शॉप में लगा हुआ है, उन सब का पैसा अभी तक नहीं मिला। ये जो है कुछ मतलब ऐसी मामला चल रहा है उसका भी जैसा PACL का, तो सर फिलहाल आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं फिर कभी बात करूंगा इस बारे में। धन्यवाद आपका, थैंक यू। जी वेलकम सर, लाइन पे बने रहिए, आपकी कॉल आई डी और फीडबैक के लिए ट्रांसफर की जा रही है। दिए जानकारी से संतुष्ट हैं तो एक दवाई या नेता तो सिविल प्लान में कॉल करने के लिए धन्यवाद।